पाकिस्तान के जो दो नेवी के लोग हैं उनको उनकी वैन पे हमला हुआ, गाड़ी पे हमला हुआ और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी जिसने अमेरिका पे हमला करवाया था वो आपके यहां से बरामद हुआ। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को जाना था लंका, हमने एयर स्पेस दी, हमने कोविड का इंजेक्शन आपको देने के लिए बोला है। भारत का इतिहास है, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वर्ल्ड के सामने बोला, एक्सेप्ट किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो जो आखिरी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, हमारे एयरफोर्स ने आपके नेवी का क्या हाल किया ये सारी दुनिया जानती। अशोक कुमार काड़े भाई, ये एक बड़ा बुरा वाक्या कल पेश आया है जिसमें बलूचिस्तान में कल ही पाकिस्तान के जो दो नेवी के लोग हैं उनको उनकी वैन पे हमला हुआ, गाड़ी पे हमला हुआ और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी। कोई भी देश हो जहां आतंकी हमले होते हैं, भारत हमेशा उसका विरोध करता आ रहा है। आतंक हिंसा ये भारत के खून में नहीं है। वहां पे ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान ये अफगानिस्तान ईरान को लगता हुआ आपका प्रदेश है, जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, वो आपका अंदरूनी मामला है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ नेवी का। आप यदि पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखिए तो आपके कितने फौजी शहीद हो गए हैं इस बलूचिस्तान के लगातार इस मूवमेंट को। वो उनका मूवमेंट है, वहां गैस है, वहां बहुत सारे मिनरल्स है। वहां के लोगों को लगता है कि ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये बहुत तकलीफ का मामला है। वहां सारा पाकिस्तान पूरा उनसे एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन बलूचिस्तान का भला नहीं होता। वो आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है, वहां पे क्यों है? और बार बार इस्लामिक, अभी आपने आपके यहाँ 2 दिन पहले हमले हुए जिसमें मजदूर मारे गए, और वहां पे भी इस्लामिक रेडिकल, जो ट्राइबल इस्लामिक रेडिकल, इंटरनेशनल इस्लामिक रेडिकल, ये आपकी आर्मी कहती है कि इस्लामिक रेडिकल ने हमने शूट आउट किया। अभी कुछ शूट आउट हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं। कि इंटरनेशनल जो आतंकवाद है जिसको बीच बीच में आप लोग पनाह देते थे, मैं बार बार कहता हूं आतंकवाद एक उधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। यदि आप आतंकवाद को, यदि सारा देश विश्व जानता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी जिसने अमेरिका पे हमला करवाया था वो आपके यहां से बरामद हुआ, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा था, इस बात को कोई भूलता नहीं। ग्रे लिस्ट में इस बार भी आप है। आपके प्रधानमंत्री जी अभी नो कॉन्फिडेंस के मोशन के में जो बोले हैं, आपने पिछली बार कहा था कि हमारा लिविंग इंडेक्स बहुत अच्छा है, लेकिन आपके वजीर आजम जो आज बोले हैं पार्लियामेंट लोअर हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने बताया है कि महंगाई कितनी जबरदस्त है, उन्होंने बताया है कि आपका देश कर्जे के कितने डूबा हुआ है। उनके भाषण से, मैं मेरे आंकड़े नहीं दे रहा हूं, उनके भाषण से मैं आंकड़े निकलता हूं तो मुझे लगता है कि देश बहुत बिकट स्थिति में है। ऐसे बिकट स्थिति में आतंकियों को या अलगाववादियों को या कट्टरपंथियों को आप जब जगह देते हैं, उनके लिए जब जगह बनाते हैं, तो एक दिन वो आपको भी काटते हैं। देखिए, कौन नेवी को टारगेट करेगा? नेवी तो एक समंदरों में होती है, उसको टारगेट करना, जारी बात है, कुछ समझदार सियाना मास्टरमाइंड है पीछे। टॉक्स की बात आपके आर्मी ने की पहले, उसको एंडोर्स किया आपके प्रधानमंत्री, उसको वेलकम किया हमारे भारत ने, और उसी वेलकम का नतीजा ये था। हमने तो हमेशा कहा कि हम दोनों हाथ खोल के बैठे हैं, हम पाकिस्तान को हमारा भाई मानते हैं। आज नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तब भी बोला कि हम पाकिस्तान को भाई मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को जब आपने एयर स्पेस नहीं दी तब भी हमने बोला पाकिस्तान के यहां कुछ नेता है जो ये काम करते हैं। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को जाना था लंका, हमने एयर स्पेस दी। वो डोजियर से डर के नहीं दी, वो एक दोस्ती का हक था, क्योंकि आपके यहां से कहा था कि दोस्ती चाहिए, तो हमने दोस्ती दी है। हमने कोविड का इंजेक्शन आपको देने के लिए बोला है, सवाल वो नहीं है। सवाल वो डोजियर से तो हम ग्रे लिस्ट में जाने चाहिए, आतंकवाद देशी घोषित होना चाहिए। ये डीजीएम वीजीएम की बात छोड़िए, और आपकी जब नेवी ने एक्सरसाइज की तो हमने वेलकम किया। और रही बात, आप क्या सोचते हो कि
क्या आपकी आर्मी वहां जाके शोषण करेगी, आपकी आर्मी वहां जाके बिल्कुल नंगा नाच नचेगी वो बलूचिस्तान में, आप ही के देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी और लोग रिटेलिएट करेंगे, और जब रिटेलिएट होते हैं तो लोग नेवी पे भी होते हैं, रिटेलिएट होते तो एयरफोर्स पे भी होते हैं, पर हम नेवी से डरते नहीं, क्योंकि हमारी नेवी क्या है कि हम हमारी औकात जानते हैं। आपके नेवी का आपके नेवी से पिछला यदि युद्ध, क्योंकि कोई भी बात होती है हम पिछले रेफरेंस यदि बात करें तो जो आखिरी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, हमारे एयरफोर्स ने आपके नेवी का क्या हाल किया ये सारी दुनिया जानती है दुनिया। और आप क्या सोचते हो, आप अपग्रेड करोगे भारत खाली बचा रहेगा? हम 1972 में है क्या? हम भी आज 2021 में है, हमारा भी फोर्सेज अपग्रेड हुए हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने एक्सरसाइज की, आप अमेरिका के साथ एक्सरसाइज करेंगे हम डरेंगे, अभी तक आप हमको अमेरिका का दोस्त बोल के अमेरिका के भरोसे काम करने के लिए आरोप लगाते थे, आप रशिया के साथ जाओगे तो हमको डर लगेगा? अरे आप चाइना के साथ गए तो हम डरे नहीं, पाकिस्तान हमने चाइना को पीछे जाने के लिए मजबूर किया। हम डरने वाली कौम नहीं है, क्योंकि हम हमला नहीं करते, इसलिए डरते नहीं। डरता वो है जो अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास करता है। हम क्यों डरेंगे? पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिससे हमको हमको तकलीफ होगी? जो जो मुल्क 100 रुपए की रोटी खा रहा है, जो मुल्क में तबाही मची हुई है, जिस मुल्क में जो स्थिति हो रही है पार्लियामेंट में जीतने वाले को आपके वजीर आजम गुंडे और लुटेरे कहते हैं। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड आपके वजीर आजम के थे, मैं उन्हीं को भाषण कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि वो लुटेरे और डकैत है तो 10 साल जिन डकैतों ने और लुटेरों ने आपके यहाँ लूटा, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है, और जब जनता भुगतेगी खामियाजा तो ये मैं यदि ये कहूं, यदि मैं ये भी लॉजिक दूं कि जो अभी महंगाई बढ़ी हुई है आपके यहाँ गवर्नमेंट को बीच में ही 3 साल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा, भारत को डरने, भारत छुपा हमला नहीं करता। चीमा साहब मैं बार बार कहता हूँ, भारत छुपा हमला नहीं करता, भारत आतंकवादियों, भारत का इतिहास है, भारत सामने से डरता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वर्ल्ड के सामने बोला, एक्सेप्ट किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने आतंकी हमले नहीं किए, हम छुप के जाके हाथ हाथ धरे बैठे नहीं रहे। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे, ठीक है? उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं।